स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे डेथ सीन दिखाने वाला हूँ जिनको देख के आप तारक मेहता का चश्मा तोड़ दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है सिद्धार्थ और ये बंदा आया है सिद्धार्थ को मारने। पर जैसे ही सिद्धार्थ झुकता है, ये बंदा गोली चलाता है और गोली लड़की के भेजे के आर पार निकल जाती है। नॉर्मल बंदा सर में गोली खा के मर जाता है, पर यहाँ तो लड़की मस्त गपशप कर रही है। बिल्कुल टेंशन मत लो, गोली बस सर के आर पार गई है। ये गोली के निशान से मेरा लुक तो नहीं खराब हो रहा ना? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, छोटा सा निशान। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे सीरियल का टाइम होने वाला है और सीरियल मिस हो गया तो। नहीं, नहीं। अब लड़की के सर के आर पार गोली निकल गई, फिर भी लड़की जिंदा है। कहीं डायरेक्टर ये तो नहीं दिखाना चाहता कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता? अब ये मैं नहीं कह रहा, डायरेक्टर ने दिखाया। फिर 10-15 मिनट बाद चाय वाय पी के जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। सिद्धार्थ, बाल बहुत खाई लग रहे हैं, ऐसे नहीं जाना। मेरा वो गजरा ले आओ। अरे मैं नहीं ला रहा, भेजे में गोली लग रखी है और गजरे की पड़ी है। बकवास बंद करो और गजरा लेके आओ। फिर ये बंदा जाता है, गजरा उठा के लेके आता है, गाड़ी में बैठ के गजरा पहनाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। देखो, अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी के कुछ आखिरी सेकंड बचे हैं तो आप भगवान को याद करोगे, परिवार वालों को याद करोगे, पर इस लड़की ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब मैं मरने वाली हूँ तो मेरा तो सीरियल मिस हो जाएगा। एक काम करो, यूट्यूब पे मेरा एपिसोड चला दो। फिर ये बंदी यूट्यूब पे पूरा एपिसोड देखती है आराम से। स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में। और सबसे पहले तो आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट, जब हमारी एपिसोड देखने के बाद ये बंदी चैन से मर जाती है एक हफ्ते बाद। और अब मैं आपको एक ऐसा डेथ सीन दिखाने वाला हूँ जिसमें किसी चीज की कमी हो या ना हो, एक्टिंग की कोई कमी नहीं है। ये बंदा, अरे भाई ये कौन सा सांप है यार जिसके काटने पे इतनी ओवर एक्टिंग निकल रही है? सांप है या केयर के? मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इतनी गंदी एक्टिंग करेगा भाई तो कोई भी गोली मार देगा। अबे ये कैसी आवाज निकाल रहा, मसाज करवा रहा है क्या? सच बताऊं तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा दिल करता कि मैं हाथी की लात खा के मर जाऊं। पर मैं चला गया तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस कौन बनाएगा। और इसी के साथ चलते हैं मेरे फेवरेट डेथ सीन पे। अब इस लड़के ने लड़की को आई लव यू बोला है। अब ये सुन के लड़का इतना खुश हो जाता है कि एक कदम दूर खड़ी लड़की तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर भागता है। पर जैसे ही वो लड़की तक पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और वो स्लाइड करता हुआ छत से नीचे गिर जाता है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे गिर रहा है भाई, ये नहीं माना जाएगा। ये डायरेक्टर ने क्या सोच के सीन शूट किया होगा? हाँ देखो, सीन समझ लो सारे, लड़का जाएगा स्लिप होके छत से नीचे और वो गिराने के लिए ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी बोली थी ना तुमको, क्या किया उसका नहीं लाया क्या? चलो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस एपिसोड का सबसे दिल दहलाने वाला सीन आएगा। तो अपने दिल को अब आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ऐसा सीन आपने शायद ही कभी देखा होगा। क्या क्या, ये कैसी डिटैचेबल चोटी उगाई गंजे ने जो खींच के उखाड़ सकते हैं? अपनी कुर्सी की पेटी अभी खोलना मत क्योंकि दिल दहलाने वाला सीन अभी आया नहीं है। नहीं,
मेरा भाई चुटिया। क्या क्या नाम बोला, फिर से बोलियो। क्या हुआ तेरे को चुटिया? भैया अजीत सिंह ने मेरी चोटी उखाड़ डाली, अब मेरा बचना मुश्किल है। नहीं चुटिया, तू नहीं मर सकता। अब यार तुम ये नाइटी वाले बाबा पे हंसना बंद करो और काम पे आ जाओ। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ जो घंटा है ना वो तो धार्मिक होके दबा दो। और भाई ये डेथ सीन्स देख के ना मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं तो जा रहा हूँ नहाने। बाय।